देखो एक और एप्लीकेशन आपका इंतजार कर रही है, और वो है कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीटॉपिक प्रोसेस, यानी कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, बस मोल वन होना चाहिए। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टी डी थर्मोडायनामिक्स, आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू प्लस डब्ल्यू। कोई भी प्रोसेस हो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी, हाँ या ना। क्यू की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है, क्या मालूम है अलग से, क्यू की वैल्यू होती है एन सी डेल्टा टी। और जैसे ही हमने सी की जगह सी एम लिखा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी हमारे लिए सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्यू की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यू की वैल्यू मेरे को सी एम की फॉर्मेट में लिखनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्यू की वैल्यू सी एम डेल्टा टी, चलने दो। और यहाँ पर भी एन हमारे लिए क्या हो जाएगा, वन, और डब्ल्यू डब्ल्यू। तो सी वी मुझे चाहिए सी एम, लेकिन अभी तो मुझे डेल्टा टी का डिवाइड करना है, तो मैंने डेल्टा टी का डिवाइड किया तो डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी माइनस डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ये अभी तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहा है, और डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं मालूम पॉलीटॉपिक प्रोसेस क्या है, मान लिया प्रोसेस ये है, प्रोसेस पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने, मैं गामा नहीं लिख सकता, गामा लिखते ही क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सिर्फ आपका ये क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस वन टू कुछ भी हो सकती है, पक्का। तो वेयर एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कुछ भी। तो नाउ नेक्स्ट, इसके लिए वर्ड डन फॉर्मेट तो वही बनेगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन एक्स माइनस वन, हम गामा माइनस वन लिखते थे, हम एक्स माइनस वन लिख देंगे, लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, फॉर्मेट हमारा पहले से ही तैयार है, उठा के पुट कर दिया सीधा। तो क्या पी टू वी टू की जगह हम नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हम, एन आर डेल्टा टी, एन तो वन है ही, आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन नंबर टू, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल टू सी वी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हो रही है आर डेल्टा टी एक्स माइनस वन और डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्रॉस हो गया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, या माइनस अंदर ले जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए तो एक्स माइनस वन हो गया। बोलो यस और नो, तो आप इस तरह से लिख लीजिए एक्स माइनस वन। तो ये एक डेरिवेशन हो गया जिसको आपको लिखना है, लिखें इसको। अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, याद रह जाएगा सी एम इक्वल टू सी वी। हाँ बोलो बेटा, चलिए थोड़ा सा ये मेहनत कर ली, लेकिन इसको थोड़ा सा और इसी के पॉइंट्स में लिखते हैं। अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या होगा, सी एम इसी के अंदर हेडिंग डलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट अगर प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का कर्व कैसा होता है, पी प्रोपोर्शनल वन बाय वी, यानी आप क्या लिख सकते हो, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बताइए एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, वन, कंपेयर कर दिया एक्स की वैल्यू वन आ रही है, तो सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी माइनस आर आइसोथर्मल के लिए, एक्स वन माइनस वन क्या हो गया,
जीरो इनफाइनाइट, तो सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आप बता सकते हो, दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, कैसे? क्यू की वैल्यू क्या होती है, सॉरी सी एम की वैल्यू क्या होती है? सी एम की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एंड डेल्टा टी, और डेल्टा टी जीरो है तो क्यू अपॉन जीरो इनफाइनाइट। सेकेंड मेथड, तो डेल्टा टी तो जीरो होता है, आइसोथर्मल सभी जीरो। हाँ सीपी सीवी तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे आइसोथर्मल में, आप एक ही बोल पाओगे सीएम, तो सीएम आपके लिए क्या हो जाएगा इस जगह इनफाइनाइट। अगला प्रोसेस लेते हैं सेकंड, बाकी सारी चीजें हो सकती है आपके लिए। सेकेंड एक और ले सकते हैं एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के लिए तो आपके लिए अगर आप सी एम की बात करोगे तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो क्यू की वैल्यू जीरो है तो सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। थर्ड कोई पॉली प्रॉपर्टी ले लिया, पी प्रोपोर्शनल वी ले लिया, P प्रोपोर्शनल V कैसा कर होगा ऐसा? अब ये बताइए ये आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोकोरिक में से कोई है क्या? नहीं है, अलग है, तो इसको क्या लिख सकते हो? पी वी माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x की वैल्यू माइनस वन हो गई। फॉर्मूला हमें याद है सी एम की वैल्यू क्या है, सी वी, तो सी आर एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा सी वी माइनस आर माइनस वन माइनस वन, तो हमारे पास हो जाएगा ये सी वी प्लस आर बाई टू, सी वी प्लस आर बाई टू। और अगर हमारे पास गैस हीलियम है, गैस हीलियम है, तो सी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री आर बाई टू, और सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइव आर बाई टू, फोर आर बाई टू कितना हो गया? फोर आर बाई टू या टू आर, तो इसके लिए सी एम ही डिफाइन होगा 2R, सी पी सी वी नहीं डिफाइन होते, लेकिन जाना सी वी के थ्रू होता है पॉलीटॉपिक में, इसके लिए थोड़ी ना डिफाइन होगा सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और कंसेप्ट से, अगर कभी न्यूमेरिकल ही दे दिया जाए आपको, तो आप हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल दिया है और सी एम पूछा जा रहा है, कितने मोल हैं सब कुछ अलग अलग दे रखा है, तो फॉर न्यूमेरिकल थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर न्यूमेरिकल फोर्थ, न्यूमेरिकल करते वक्त न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा सी एम की वैल्यू लगानी पड़ेगी क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, मत सोचना कुछ भी दे रखा होगा उसने, आप एन डेल्टा नहीं निकाल देना, या सुनो, और कई बार तो डेल्टा टी भी निकालना पड़ता है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी आपको फर्स्ट, तो क्यू कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, उसके लिए आपको दे रखा होगा एन की वैल्यू वन करनी पड़ेगी आपको, या डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करते वैसे ही एम आ जाएगा, लॉक कर दें, तो हमारा यहां तक तो काम चल गया, हाँ या ना? लेकिन डेल्टा टी कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई एंड, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बोलो जानते हो या नहीं जानते? क्यू दिया हुआ है, एन सी वी डेल्टा टी, क्यू प्लस डब्ल्यू सब दिया हुआ है, क्यू दिया डब्ल्यू दिया हुआ है, डेल्टा ई नहीं दिया हुआ था, डेल्टा टी कैसे निकालोगे? क्यू प्लस डब्ल्यू अपॉन एन सी वी, तो सब सी वी आपको कोई भी गैस दे रखी है उससे निकाल सकते हैं, एन दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी निकाल के वापस उस गिवन क्यू के अंदर एन डेल्टा टी का डिवाइड कर देंगे। नहीं, आज आप खुद सोचो कि डेल्टा टी कभी नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? क्यू और डब्ल्यू पॉजिटिव है, बस वो अपने आप सब चेंजेस होगा।
तो ये आपको डेल्टा टी निकलेगा, और डेल्टा टी उठा के यहाँ रख देना और आपके साथ, तो आपको वापस सेकंड इक्वेशन से डेल्टा टी निकाल के यहाँ रखना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये भी कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम का है, कोई डाउट नहीं है, श्योर। मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर क्यू भी दूंगा, डब्ल्यू भी दूंगा और मोलर हीट पूछूंगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे प्रोसेस क्या है, और सोचना भी नहीं है आपको। आपको सबसे पहले फर्स्ट लॉ लगा के डेल्टा टी निकाल के वापस डेल्टा टी को रख के सीएम निकालना है। इज दैट क्लियर? तो हर तरह का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉक कर दें, उतारो इसको।